देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम नेकापुर में विगत 19 अगस्त को प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने दादा और बुआ की हत्या करने वाले नाती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्यारे ने पुलिस पूछताछ में बताया कि दादा बुआ के नाम प्रॉपर्टी करना चाहते थे, इसलिए दादा दादी और बुआ पर गोली चला दी। आरोपी ने बताया कि असलाह व कारतूस अपने साथी मनोज व हाकिम के साथ जाकर देवदत्त उर्फ बंटू से खरीदा था। पुलिस ने सभी प्रकाश में आए अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। ने बताया था इसमें चूँकि जो रवि पाल अभियुक्त है उसके दादा और दादी अपनी सारी जायदाद को ज़मीन को रुपए पैसे को अपनी ही बेटी के केवल नाम कर रहे थे और उन्होंने प्लॉट और मकान नाम कर भी दिया था, साथ ही साथ बैंक अकाउंट को भी ज्वाइंट करवा लिया था बुआ के साथ यानी सोन तारा के साथ। इसी सब को लेकर के नाराज़गी थी, वो पक्षपात जो हो रहा था इनके लिए उसमें कानून का सहारा लेने के बजाय उन्होंने कानून को हाथ में ले लिया और तमंचे से फायरिंग करके दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया जबकि दादी गंभीर।